Good morning, students. Thanks, sir. तो देखिए छात्रों, अध्यापक और विद्यार्थी इस बात को जब हम पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अध्यापक और विद्यार्थी इस संवाद में जो भी आए हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। छात्रों कैसे देखिए आप, जैसे हम पहले सर्वनाम को समझना है, मैं नाम, मैं नाम आए हम नाउ वी तू नीनू यू तुम नीम यह इदु इवनु इवळु ही सी इट वह अदु अवनु अवर ही सी दैट यहां पर दिस भी आएगा। और छात्रों मैं
सभी क्या है? सर्वनाम, प्रणाम, ये सब क्या है? प्रणाम। हमें समझना है मैं, नाम, आई, हम, नाम, वी, तू, नीन, यू, तुम, नीउ, यू, आ, ताव, यू, यह, इदु, इवन, इवल, ही, सी, इट या दिस, वह, अदु, अवन, अवल, ही, सी, दैट। और एक दो आते हैं छात्रों इसमें, ए और वे, कौन से आते हैं? ए, इवो, इवर, दीज, वे, अवो, अवर, दोज, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ए, वे, इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लेनी है। सरी आगे के रिपोर्ट में यहां पर देखिए, मेरा, मैं, नाम, नमस्ते गुरुजी, नमस्कार, तुम्हारा, 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 ये समझ में आया आपको? तो देखेंगे आप, यहां पर देखिए, तुम्हारा, तुम्हारा, मेरा, मेरा नन्ना, तुम्हारा निन्ना,
मेरा, नन्ना, मेरा मीन्स नन्ना, तुम्हारा, तुम्हारा, निन्ना, दिगिटर, मेरा, मेरा नन्ना, तुम्हारा निन्ना, इसका इवाना, उसका अवाना, ऐसे देखिए यहां पर तुम्हारी बहन का नाम, मेरी बहन का नाम राधा, तुम कहां, कहां, यल्ली, यावत शालेयल्ली, पढ़ना पढ़ना, ओदु वदु, भाई, अन्ना अथवा तम्मा, इसका इवना, उसका अवना, इनका, इवरा, वे, अवरु, जरूर, जरूर, अवश्य, देखिए जरूर, पहले हमें यह समझना है जिस तरह संवाद लेते वक्त, संवाद करते वक्त, बातचीत करते वक्त हम किस तरह शब्दों का प्रयोग करना है, हमें जो बात करते हैं अर्थपूर्ण बनने के लिए हम क्या करना है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। अर्थपूर्ण वाक्य बनने के लिए, अर्थपूर्ण वाक्य बनने के लिए हमें क्या करना है, सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ತಬಿ ವಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಬಂತಾ ಹೈ. ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯಾ ಆಪ್ಕೋ? ಪಹಲೆ ಹಮೇ ಯಹಾ ಸಮಜ್ನಾ ಹೈ ಜೋ ಸರ್ವನಾಮ ಹೈ, ಸರ್ವನಾಮ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕೋ ಹಮೇ ಸಮಜ್ನಾ ಹೈ. ಮೇನೆ ಜೋ ಆಪ್ಕೋ ದಿಖಾಯಾ ಮೈ ಹೂಂ ಹಮ್ ಹೈ, ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಜೋ ಆಪ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪ್ ಪಡ್ ಚುಕೆ ಹೈ. देखिए यहाँ पर, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. फर्स्ट वन, मैं सरकारी है ना, आपके डिस्ट्रिक्ट में है यह वाक्य. नानु सरकारी शालेयल्लि ओदुत्तेने. अर्थ आयता? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. नानु सरकारी शालेयल्लि ओदुत्तेने. मैं मीन्स वाट? सर्वनाम. मैं सर्वनाम द हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियापद हूँ. मैं हूँ, नानु इरुत्तेने. मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. नानु सरकारी शालेयल्लि ओदुत्तेने. यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? यह तुम्हारा, यह मीन्स वाट? यह तुम्हारा भाई है क्या? रमेश, यह तुम्हारा भाई है क्या? रमेश, ಏನು ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ? ಯಹ ತುಮಾರ ಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ ರಮೇಶ್, ಏನು ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೇ ಇರುತ್ತಾನೆ? ಕ್ಯಾ ಏನು ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಸರ್ವನಾಮ. ಕೌನ್ ಕಬ್ ಕಹಾ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ತೋ ಆಪ್ ಪಡ್ ಚುಕೆ ಹೈ. ಕಿಸ್ಕಾ ಕಿನ್ಕಾ ಇಸ್ಕಾ ಉಸ್ಕಾ ಇನ್ಕಾ ಉನ್ಕಾ ಯೆ ಸಭಿ ಆಪ್ಕೋ ಸಮಜ್ನಾ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ಜೋ ಭೀ ಆಪ್ಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಹೀ ಆತೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಸಮಜ್ನಾ ಹೈ ಚಾಹತಾ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೈಸಿ ಕೆ ವೈಸಿ ನಹೀ ರಖನಾ ಹೈ. ದೇಖಿಯೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ಕೋ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಬಾಲಕ್ ಬಾಲಿಕಾ ಬಹನ್ ಭ
भाई, माता, पिता, मोर, मोरनी। और इसी के हिसाब से आपको पूरा यह प्रश्नोत्तर पाठ पढ़ने के लिए आना है। पाठ वाला बोलने के बारे में सही ढंग से पढ़ना है, कहाँ रुकना है, कैसे पढ़ना है। देखिए प्रश्न, रमेश की बहन का नाम क्या है? जैसे आप बताएं, रमेश की बहन का नाम राधा है। रमेश न तंगी है जरूर राधे, राधे यारो, राधे रमेश न तंगी। राधा किसकी बहन है? राधा रमेश की बहन है। अध्यापक का नाम क्या है? अध्यापक का नाम पवन कुमार है। पवन कुमार किसका नाम है? पवन कुमार अध्यापक का नाम है। रमेश का घर कहाँ है? रमेश ना मने ये ले रहे, रमेश का घर विजयनगर में है। विजयनगर में किसका घर है? रमेश न मने विजयनगर दलिदे, विजयनगर दलि यार मने इदे, विजयनगर दलि रमेश न मने इदे। समझ में आ गए ना आपको, अर्थ आई दिल रे। ऐसे ही प्रश्नों का सही सही जवाब देना है छात्र। रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर विजयनगर में है। विजयनगर में किसका घर है? विजयनगर में रमेश का घर है, बस। राधा कहाँ पढ़ती है? जैसे आप देखें, राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ती है? सरकारी स्कूल में राधा पढ़ती है। कर्तरी कर्मणि वाक्यों के बारे में आप जानते हैं। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम सुहास है। सुहास कौन है? सुहास एक लड़का है। सुहास किसका भाई है? सुहास रमेश के बड़े भाई है। सुहास का यारो, सुहास होगा उड़गा, सुहास यार सहोदरा, सुहास रमेश ना सहोदरा। ऐसे आपको क्या करना है, समझ लेना है चाहते। ई रीति निवेन मंद्रा सरियागे तिळिदुकोळ्ळबेकु, चाहे पाठ कौन से भी हो, पाठ यावदी इरलि, आ पाठद बग्गे नीवु सरियागि तिळिदुकोळ्ळबेकु। अध्यापक का घर कहाँ है? अध्यापक का घर विजयनगर में है। ये तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग। अब ध्यान देना है कि कन्नड़ और अंग्रेजी में भी शब्द निकले हैं कल, और संयुक्त अक्षर के बारे में, संयुक्त अक्षर के बारे में भी आप जान चुके हैं, है ना। देखिए यहां पर आपको दिया गया है, तुम्हारी स्कूल कृपालु कसैला अंततः त्रिकोण आश्रय स्तंभ मुर्गा धर्म लक्ष्मी और मल्लिकार्जुन, लक्ष्मी और मल्लिकार्जुन कैसे लिखना है? देखिए यहां पर ये जो है लक्ष्मी, कैसे लिखना है लक्ष्मी का,
बोलिए ल प्लस अ प्लस क प्लस म प्लस ई लक्ष्मी। समझ में आया? मल्लिकार्जुन म प्लस अ प्लस ल प्लस ल ई प्लस क प्लस आ प्लस ज प्लस र प्लस उ प्लस न प्लस अ। मल्लिकार्जुन अर्थ है इतने मरली मरली। ऐसे संयुक्त अक्षर को समझना है चाहिए। ई रीति नवे मंडे को संयुक्त अक्षर गणना करने दे। पाठ पढ़ना पढ़ने से और लिखने से पहले हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। स्वर व्यंजन किस तरह मिलते हैं, संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, उसके बारे में हमें समझना है। शब्दों का अर्थ भी हमें समझना है छात्रों। शब्दगळा अर्थगळन्नु कूड नावेन् माडबेकु सरियागि तिळिदुकोळ्ळबेकु। आप एक काम करो, मैं हां तू तुम इसके कुछ सेंटेंस लिखो। नानु आप आरुते ने हिंदी में लिखना है।
नानो अम्मन जते चित्रें नानु आटा आडुतेने नानु ऊटा माडुतेने तंदे यवरु कचेरेगे होगुत्तारे चीटेयो नन्ना तंगी नानु अम्माना जोते ऊरिगे होगुत्तेने युना न्यू हिंदी वाले बोले नोडना ಬರದಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ